जिस घड़ी पहुंचा दर खैरुल वरा के सामने, जिस घड़ी पहुंचा दर, हाँ जिस घड़ी पहुंचा दर खैरुल वरा के सामने, जिस घड़ी पहुंचा दर सामने, यो लगा जैसे कि हो अरशे ओला के सामने। और ये विषय नाद का आप रात के अच्छे समाज के हवाले पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाले अहले मिंबर की तवज्जो चाहता हूँ, बस आप बेदारी का सबूत फराम करें और जहाँ पर बात आपको अच्छी लग जाए आप सुभान अल्लाह बोल दें। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाले। वो जहल की बद नसीबी थी कि वो ना पढ़ सका, वो जहल की बद नसीबी थी कि वो ना पढ़ सका, वो जहल की बद नसीबी थी कि वो ना पढ़ सका, कि वो जहल के बद मुस्तफा के सामने। और हजरत मोहतरम जीशान भाई की मोहब्बत, अल्लाह इनके वालिद साहब को, इनके तमाम अहले खाना को, बिरादरान को, गांव के हर फर्द को अल्लाह सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत इनका जो ख़ानदान, इनका गांव, मैं कहता हूँ पूरा गांव उलमा से बड़ी मोहब्बत फरमाता है और बड़ी कदर करते हैं लोग हाफिज़ों की और उलमाए कराम की। और जो बात हजरत क़ारी ज़ुल्फ़िकार साहब ने कही, मैं 100% इस बात की तायद करता हूँ। आज हमारे यहाँ मिंबरों पर हाल ये है कि आज हम पूरी पूरी रात महफिल तो करते हैं लेकिन इसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। हम जहाँ हैं वहीं हैं, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद जो है वो अच्छा नहीं है। अगर हम अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे, खुलूस के साथ, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि अगर एक बंदा भी इस महफिल से बाअमल हो गया निकलने के बाद, तो मेरा मकसद यह है कहने का कि जलसा करना कराना सब अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। शर्त हमारा काम होना चाहिए इस्लाह इस महफिल पाक से। एक शेर बारगाह आला हजरत में पेश करता हूँ। जितने लोग सईद सरकार आला हजरत से मोहब्बत करते हैं तेरा हाथों को उठाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह। पेश करता हूँ मिलाज फरमाले कि पढ़ लिया कंकरेन कलमा मुस्तफा के सामने, था नवी नाना तभी कैसे भला टिक पाएंगे, था नवी नाना तभी कैसे भला टिक पाएंगे,
مسلم اچھا ہے یہ سب احمد رضا کے ساتھ مسلم اچھر ہے یہ سب احمد رضا کے سامنے ایک شعر مولا کائنات مولا علی کی بارگاہ میں اہل منبر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرما لے شعر ہے اللہ کے اور فاتح خیبر ہے وہ شعر ہے اللہ کے اور فاتح خیبر ہے وہ نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پاک پر حضرت علامہ سجاد حسین صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہے آپ لوگ ادب احترام کے ساتھ بیٹھیں اور چہرے کی زیارت کریں اپنے آپ کو مستفیض کریں آپ لوگ تشریف رکھ کے بیٹھے ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیں اللہ آپ کی سماعت کو سلامت رکھے آپ کی محبت کو سلامت رکھے ایک مرتبہ جھوم کر کہیں سبحان اللہ شعر ہے اللہ کے اور فاتح خیبر ہے وہ اور فاتح خیبر ہے وہ شعر ہے اللہ کے خدا کے سامنے کیسے جیتے گا کوئی شعر خدا کے سامنے ایک شعر بارگاہ حضور تاج الشریعہ میں جن کو جتنی محبت ہے حضور تاج الشریعہ سے اتنی محبت کے ساتھ اس شعر کا استقبال کریں گے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرما لے صلح گلی کی جہاں میں آندھیاں آئی مگر آندھیاں آئی مگر صلح گلی کی جہاں میں آندھیاں آئی مگر صلح گلی کی جہاں میں اختر رضا کے سامنے